हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज़ यू दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीफार्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 11th कैटेगरी का, दैट इज डायूरेटिक्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंटी डायबिटिक्स को कवर अप कर लिया था और इसी तरीके से हमने अब तक 10 कैटेगरी चैप्टर 5 की कवर अप कर ली और इनमें जो ड्रग्स थी उनको भी हमने कवर अप कर लिया है। ओके, आज का हमारा चैप्टर 5 का लेक्चर 11 है, 11वां लेक्चर है जिसमें हम आपकी 11th कैटेगरी दैट इज डायूरेटिक्स और इसमें जो ड्रग है ड्रग्स है उसको हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं कि डायूरेटिक्स होते क्या है। तो सिंपली डायूरेटिक्स वो दवाएं वो मेडिसिन होती हैं जो कि पेशाब लाने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि यूरिन का प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। ओके, द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस डायूरेसिस, वो सब्सटेंस जो कि डायूरेसिस प्रोड्यूस करे मींस इंक्रीज इन द फ्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी आर नोन एज डायूरेटिक्स, जो कि यूरिन के फ्लो को और उसके प्रोडक्शन को यानी कि उसका बनना और उसका फ्लो होना, एक्सक्रीट होना, बाहर निकलना, ठीक है, कहाँ से, किडनी से, इसको क्या करें, प्रमोट करें, इंक्रीज करें, उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। ओके, इसमें दो ड्रग्स हैं, एक तो है गोखरू और दूसरी ड्रग है इसमें वो है पुनर्नवा। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें समझते हैं गोखरू को, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो गोखरू का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड राइपन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट टेराबुलस टेरिस्ट्रिस, ठीक है, कंसिस्ट करता है सूखे राइपेंड यानी के पके हुए, ठीक है, फ्रूट्स, पके हुए फ्रूट्स किस प्लांट के, टेरिबुलस टेरिस्ट्रिस, इस प्लांट के जो है हमें यहाँ से पके हुए फ्रूट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, गोखरू के, और इसकी जो फैमिली है वो है जाइगोफाइलेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स कंटेन करता है विच हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस डायजेनिन स्टेरॉयलल सैपोनिन स्टेरॉयलल सैपोजेनिन, यानी कि ये कंटेन करता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, और जब सैपोनिन ग्लाइकोसाइड हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज करता है, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद में क्या बनाता है, ये बनाता है डायोजेनिन स्टेरॉयडल सैपोनिन एंड स्टेरॉयडल सैपोजेनिन, ठीक है, ये इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स, और ये फ्लेवोन एल्कोलाइड्स और कुछ फिक्स्ड ऑयल भी कंटेन करता है, कौन, नेक्स्ट हमारी इसमें आती है थेरेपेटिक एफिकेसी। तो थेरेपेटिक एफिकेसी वही होगी सिंपली जो इसकी कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि पेशाब लाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, डायूरेटिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट इज़ यूज एज अ डायूरेटिक, फ्रूट्स आर यूज एज डायूरेटिक, फ्रूट्स को हम यूज़ करते हैं डायूरेटिक के तौर पर यानी कि पेशाब लाने वाली दवाई, टॉनिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, एफ्रोडिसिएक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, मीन्स दो सब्सटेंस विच स्टिमुलेट सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। इट ऑल्सो यूज इन पेयरफुल यूनरी डिस्चार्ज, ठीक है, तकलीफ के साथ में पेशाब आ रहा है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, एंड इन वेरियस गाउट्स, और कुछ गाउट्स के ट्रीटमेंट में, गाउट्स आप समझते हैं यानी कि गठिया, इसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, एंड इन किडनी डिजीजेज, और किडनी डिजीजेज में, ठीक है, जो आपकी किडनी है उसकी बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज इन किडनी स्टोन्स, और जो किडनी में पत्थर हो जाते हैं उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है उसके ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट जो देखिए हमारी इसमें ड्रग है वो है पुनर्नवा, बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, पुनर्नवा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड और फ्रेश एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोरहोविया डिफ्यूजर, ठीक है, बोरहोविया डिफ्यूजर प्लांट है, ठीक है, इसकी फ्रेश एरियल पार्ट से, ठीक है, हमें ये सूखे और फ्रेश एरियल पार्ट से हमें ड्रग ऑब्टेन होता है जिसकी फैमिली है निक्टेजिनेसी। ओके, केमिकल कॉन्स्टेंट्स में है द मेन कॉन्स्टेंट्स ऑफ ड्रग आर कौन कौन से हैं, पुनर्नवीन एंड एलोइंटोनिन, द ड्रग्स ऑल्सो कंटेन्स, और क्या क्या कंटेन करता है, ये पोटेशियम नाइट्रेट, पार्मेटिक एसिड, स्टोरिक एसिड एंड अरेचिडिक एसिड ये कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है थेरेपेटिक एफिकेसी, इट इज़ यूज एज डायूरेटिक, डायूरेटिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, मीन्स पेशाब लाने वाली दवाएं, स्टोमैकिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं यानी कि जो भूख को बढ़ाती हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर यूज़ करते हैं यानी कि खांसी को कम करने के लिए, एक्सपेक्टोरेंट वो दवाएं होती हैं जो कि खांसी को ट्रीट करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कफ के ट्रीटमेंट में। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, जॉन्डिस आप समझते हैं पीलिया, जिसमें जो आपकी स्किन है वो पीली हो जाती है और जो आँखों का जो वाइट पोर्शन है, ठीक है, वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो पीलिए के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, एंड इन केस ऑफ लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, और जो क्षमता है डाइजेशन की, ठीक है, डाइजेस्टिव पावर, पेट के बढ़िया तरीके से जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, उसको खाने को पचाने की जो क्षमता है उसकी कमी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है,
इट इज ऑल्सो यूज इन ऑडेमा, ऑडेमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ऑडेमा आप समझते हैं यानी कि सूजन आ जाना, शरीर के कुछ हिस्सों पर सूजन आ जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑडेमा। कुछ फ्लूड्स वगैरह वहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं भर जाती हैं, ठीक है, इकट्ठे हो जाती हैं। एसिटीज एंड अस्थमा, एसिटीज जो है एब्डोमिनल स्वेलिंग, यानी कि जो आपका पेट है, ठीक है, जो पेशेंट का पेट है वो कैसा हो जाता है, फूल सा जाता है काफ़ी ज़्यादा, उसमें स्वेलिंग आ जाती, सूज जाता, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ फ्लूड्स वगैरह भर जाता। एंड इन अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है इन लार्ज डोजेज, लार्ज डोज में इट इज़ यूज एज इमेटिक, इमेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया करते हैं, यानी कि उल्टी लाने वाली, ठीक है, क्या करने वाली, उल्टी लाने वाली दवाएं इमेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एंड इन हार्ट डिजीजेज, और दिल की बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, पुनानवा का। तो ये दो ड्रग्स थी इसमें, एक तो गोखरू और दूसरी पुनानवा। तो ये डायुरेटिक आपकी जो कैटेगरी थी, 11th कैटेगरी, इसको हमने कवर अप कर लिया आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर 12, 12वां लेक्चर, उसमें हम आपकी 12th कैटेगरी दैट इज एंटी डायसेंट्रिक, इसको हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।